इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें T20 में टीम इंडिया की एक तरफा जीत में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 94 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की बड़ी भूमिका रही है। मैच के बाद भारतीय कप्तान ने खुलासा किया कि वे अगले IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी ओपनिंग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए वे आगे भी रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी की शुरुआत कर सकते हैं। विराट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर काफी दमदार लग रहा है, ऐसे में वे रोहित के साथ आगे भी ओपनिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब टीम के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा गेंद मिले तो टीम को फायदा होगा। विराट ने कहा, अगर हम दोनों ओपनिंग कर सकते हैं तो सेट हो जाती है, तो हमसे कोई एक विपक्षी टीम को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। हम यही चाहते हैं, अगर हमने से कोई भी एक क्रीज पर रहेगा तो बाद में आने वाले बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी मिलेगी। विराट कोहली ने अपने IPL करियर में अब तक 5 शतक जमाए हैं। उन्होंने 5 शतक ओपनिंग करते हुए जमाए हैं। 2016 IPL में उन्होंने बतौर ओपनर 4 शतक जमा दिए थे। 2016 में उनके लिए अब तक का बेस्ट सीजन साबित हुआ है। उस IPL में विराट ने 16 मैचों में 81.08 की औसत से 973 रन बनाए थे। ये IPL एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी है। विराट अब तक 8 T20 इंटरनेशनल मैचों में ओपनिंग कर चुके हैं और 39.71 की औसत से 278 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें T20 मैच में खेली गई 80 रनों की नाबाद पारी बतौर ओपनर इंटरनेशनल T20 मैचों में उनकी सर्वश्रेष्ठ बड़ी पारी है। भारतीय टीम के अब तक के शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड T20 से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भारतीय टीम की आखिरी सीरीज थी, लेकिन विराट के संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले कुछ और T20 इंटरनेशनल मैच खेल सकती है। माना जा रहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेल सकती है।